हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे कैम्ब्रिज 9th बुक का सेकंड पैसेज, रीडिंग पैसेज। एंड द नेम ऑफ दैट पैसेज इज देयर एनी बॉडी आउट देयर द सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस एंड इट कंटेन क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 26। एंड वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 टू 17 बाय लिस्ट ऑफ हेडिंग। First we will read list of heading and then find appropriate answer of that question. Okay, and the first question for list of heading is that seeking the transmission of radio signals from planets, and second is appropriate response to signal from other civilization, third is vast distance to earth closest neighbor, fourth is assumptions underlying the search for extraterrestrial intelligence, and we skip fifth option because it contains passage A, and sixth is knowledge of extraterrestrial life forms, seventh is likelihood of life on another planet. Now we will read second passage B. We skip A. Okay. Then if we have to solve list of heading, then we will consider only first and last two line of each passage. Okay, means पहली दो line ही read करनी है, अगर उनमें answer ना मिले तो last के दो line read कीजिए। Okay, mostly questions में इन्हीं में से answers मिल जाता है। तो second passage है हमारा B. B में क्या है, in discussing whether we are alone, मोस्ट सेती साइंटिस्ट अडोप्ट टू ग्राउंड रूल, फर्स्ट UFOs आर जनरली इग्नोर्ड सिंस मोस्ट साइंटिस्ट डू नॉट कंसिडर द एविडेंस फॉर देम टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी अ सीरियस कंसिडरेशन। मीन्स हम इसमें दो ग्राउंड रूल को अडोप्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं इसके लिए, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, हम पहले ही अज्यूम कर रहे हैं दो ग्राउंड रूल्स को, तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा अजम्पशंस अंडरलाइंग द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट पैसेज है हमारा सी। सी पैसेज के लिए, हम रीड करते हैं, इवन व्हेन वी मेक दीज अजम्पशन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर लाइफ फॉर्म इज स्टिल सेवरली लिमिटेड, वी डोंट even know, for example, how many stars have planets, and we certainly do not know how likely it is that life will arise naturally given the right condition. Means क्या है, ये assumptions, हम इन assumptions को consider तो करते हैं, but our understanding of life form is still severe, हमारी life फिर भी limited है, क्योंकि हम जानते ही नहीं कितने stars हैं planets पर, वी सर्टेनली हम ये नहीं जानते कि लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है नेचुरली, कहाँ नहीं करती, इट मीन्स ये भी क्या है हमारे अजम्पशन, तो हम मैच करके देखते हैं किससे मैच होता है, देखो हम किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, हम लाइफ को कंसिडर कर रहे हैं ना दूसरे प्लैनेट्स पे अपने अजम्पशन से, तो इसका सेवन्थ ऑप्शन होगा लाइकलीहुड ऑफ लाइफ ऑन अनदर प्लैनेट्स, ठीक है। अब हम डी को रीड करते हैं, डी में क्या है, एन एलियन सिविलाइजेशन कुड चूज मैनी डिफरेंट वे ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द गैलेक्सी, बट कोई भी एलियन सिविलाइजेशन हो डिफरेंट वे चूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के, बट मैनी ऑफ आर आइदर रिक्वायर्ड टू मच एनर्जी, परंतु इनमें से अधिकतर क्या करते हैं, एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और एल्स आर सेवरली attenuated while traversing vast distance across the galaxy, और इनमें से कई ट्रावर्स होके वापस चले जाते हैं क्योंकि उनका बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना होता है गलेक्सी से, ठीक है, वास्ट डिस्टेंस फ्रॉम गलेक्सी, तो इसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, पहले दो लाइन से ये हो सकते हैं, हम इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं किसकी, सिग्नल सेंड करने की, कितना डिस्टेंस को हम कवर कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या ऑप्शन बन सकता है, फर्स्ट वाला सीकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम प्लैनेट्स, ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए का, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा किसका, डी का। नेक्स्ट पैसेज रीड करते हैं ई, इसका है देर इज़ कंसिडरेबल डिबेट ओवर हाउ वी शुड रिएक्ट,
यहाँ पर डिबेट होगी, कंसिडरेबल डिबेट होगी कि हमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए इफ़ यू डिटेक्ट ए सिग्नल फ्रॉम एन एलियन सिविलाइजेशन, अगर हम वहाँ एलियन सिविलाइजेशन से कोई सिग्नल को रिसीव करते हैं। एवरीबॉडी एग्री दैट वी शुड नॉट रिले रिप्लाई इमिडिएटली, सभी कहते हैं एग्री हैं इस चीज़ से कि हम एकदम से रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द इम्प्रैक्टिकली ऑफ सेंडिंग ए रिप्लाई ओवर सच लार्ज डिस्टेंस एट शॉर्ट नोटिस, क्योंकि इतने दूर से जो सिग्नल्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करते हैं। इट इज़ ए होस्ट ऑफ एथिकल क्वेश्चन दैट वुड हैव टू बी एड्रेस्ड बाई ग्लोबल कम्युनिटी बिफोर एनी रिप्लाई कुड बी सेंड, किसी भी इसलिए हमें ग्लोबली उसका को डिस्कस करना होगा और उसके बाद ही हम उस क्वेश्चन उन सिग्नल्स का कोई रिस्पॉन्स दे सकते हैं उसकी डिस्कशन के बाद। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा रिस्पॉन्स की बात हो रही तो रिस्पॉन्स की बात केवल सेकंड ऑप्शन में है, अप्रोप्रिएट सिग्नल रिस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन। तो पैसेज नंबर ई का आंसर क्या होगा, सेकंड। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18-20 विच आर नो मोर देन 3 words, मीन्स वी हैव टू सेलेक्ट द आंसर्स बाय रीडिंग अप्रोप्रिएट पैसेज। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज़ दैट व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अर्थ, लाइफ अर्थ की लाइफ कितनी है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन उसकी क्या है वो बतानी है। इसका आंसर फर्स्ट पैसेज में ही है, प्लेनेट लाइक अवर्स मीन्स अर्थ, आवर मीन्स हमारा, अर्थ हमारी क्या है, प्लेनेट अर्थ है, इज सेवरल बिलियन ईयर्स, तो इसकी लाइफ क्या है, सेवरल बिलियन ईयर्स। अब हम सेकेंड क्वेश्चन का करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम अदर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन आर सिटी का साइंटिस्ट सर्चिंग फॉर, किस टाइप के सिग्नल्स को सर्च कर रहे हैं अदर इंटेलिजेंस। तो हमने इस मैसेज में कहीं रेडियो सिग्नल की बात की थी, तो हम वो सर्च करते हैं वो सिग्नल्स कहाँ पे। आई थिंक ए पैसेज का कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो इसके आंसर मोस्टली ए पैसेज में ही मिलेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना कि जिस भी पैसेज को कंसीडर नहीं किया गया मोस्टली नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पैसेज से होंगे। ठीक है, तो इसमें रेडियो सिग्नल्स की बात की थी सेटी की, तो वो कहाँ पर की थी, फोर्थ या फिफ्थ लाइन में कहीं पर की गई थी। तो ठीक है, फर्स्ट फिफ्थ लाइन में रेडियो सिग्नल्स की बात की गई है, तो सेकंड का आंसर क्या होगा, रेडियो सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी स्टार्स आर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप सर्चिंग, कितने स्टार्स हैं जो मोस्ट पावरफुल हैं और रेडियो टेलीस्कोप को सर्च कर से सर्च हो रहे हैं, मतलब कितने मोस्ट पावरफुल स्टार्स हैं उसका बारे में हमें बताना है। तो स्टार्स इन नंबर्स की फॉर्म में है, तो नंबर्स का मैं पैसेज डी में है हमारे पास का आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है हमारे पास 1000 लाइकली स्टार्स, नियरेस्ट टू किसके नज़दीक हैं, 1000 के नज़दीक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1000 लाइकली स्टार्स। ओके, नेक्स्ट वी रीड करते हैं हम अगले क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन क्या हैं, येस नो नॉट गिवन। पहला है 21, एलियन सिविलाइजेशंस मे बी एबल टू हेल्प द ह्यूमन रेस टू ओवरकम सीरियस प्रॉब्लम, ये एलियन सिविलाइजेशन हेल्प कर रही हैं किसके रिगार्डिंग, सीरियस प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। तो इसका आंसर तो ए पैसेज में ही है हमारे पास, क्या है, फिफ्थ सिक्स लाइन पढ़ के देखिए, फिफ्थ सिक्स लाइन में हमारे पास गिवन है, द सिंपल डिटेक्शन ऑफ रेडियो सिग्नल विल बी सफिशिएंट टू आंसर मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ बेसिक ऑफ ऑल क्वेश्चन, मीन्स वो रेडियो सिग्नल हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस की के आंसर देने में हेल्पफुल करते हैं, इट मीन्स एलियन सिविलाइजेशन हमारे क्वेश्चंस को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सेटी साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड ए लाइफ दैट रिजेंबल ह्यूमन इन मैनी वेज, सेटी साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं एक लाइफ को फाइंड करने के लिए जो हमसे रिजेंबल करती है कई तरह से। तो जहाँ पर वो रूल सेट कर रहे थे पैसेज नंबर बी के अंदर, तो वहाँ पर हमें इसका आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो हम एक बार पैसेज को रीड करने की कोशिश करते हैं, बी पैसेज में देखिए, इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट पैसेज में,
पेज नंबर 23 पे, इन अदर वर्ड्स लाइफ फ्रॉम वी आर लुकिंग फॉर मे वेल हैव टू ग्रीन हेड एंड सेवरल फिगर बट इट विल नेवर द लेस रिजेंबल अस इट शुड कम्युनिकेट विद इट्स फेलोज बी इंटरेस्टेड इन द यूनिवर्स लाइव ऑफ प्लेनेट ऑर्बिटिंग स्टार्स लाइक सन एंड परहैप्स मोस्ट रिस्पेक्टिवली हैव ए केमिस्ट्री लाइक अस बेस्ड ऑन कार्बन एंड वाटर। तो यहाँ से इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन हैव कोऑपरेटेड ऑन जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन ने कोलैबोरेशन किया है एक दूसरे के साथ इसको सोल्व करने के लिए। पैसेज नंबर डी में फिफ्थ लाइन में देखिए क्या है, सो फॉर देर आर हैव बीन ए नंबर ऑफ सर्चिज बाई वेरियस ग्रुप इन दिस फ्रिक्वेंस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियन सर्चिज आर यूजिंग फॉर रेडियो टेलीस्कोप एट पार्क्स न्यू साउथ वेल्स अंटिल नाउ देर हैव नॉट बीन एनी डिटेक्शन फ्रॉम फ्यू स्टार्स विच हैव बीन सर्च्ड। द स्केल ऑफ द सर्चिज हैव बीन इंक्रीज ड्रामेटिकली सिंस 1992 वेन द US कांग्रेस वोटेड नासा एट द $10 million पर ईयर फॉर 10 years टू कंडक्ट ए थ्रो सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ। मीन्स दोनों ने अलग अलग ट्राई किया है, कोलाब्रेशन की बात कहीं नहीं की है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट गिवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का नॉट गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो फॉर सिटी साइंटिस्ट हैव पिक्ड अप रेडियो सिग्नल फ्रॉम सेवरल स्टार्स। उन्होंने मतलब सेवरल स्टार्स से सिग्नल्स को पिक किया है। हमने इस चीज़ को हमने रीड नहीं किया है कि सेवरल स्टार्स से किया था उन्होंने, तो किसकी बात थी, सेटी की बात थी ना। सो सेटी साइंटिस्ट, ओके, सेटी साइंटिस्ट ने दो ग्राउंड रूल अडॉप्ट किए थे UFOs से और देखिए सेकंड पैसेज में UFOs का डिस्क्रिप्शन दे रखा है और एक कंजर्वेशन अजम्पशन दैट लुकिंग फॉर लाइफ और इज प्रेटी। मतलब यहाँ पर दो ही ग्राउंड रूल के ऊपर चीज़ें बेस थी, उन्होंने काफ़ी कहीं से और ज़्यादा सिग्नल्स नहीं लिए थे। बाकी थर्ड पैसेज में भी देख कह रखा है कि स्टिल सेवरल लिमिटेड, और इसमें भी कहीं पर भी हमारे पास ये गिवन नहीं है कि उसने सेवरल से लिए थे। ठीक है, सेवरल, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा इसका आंसर, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, द नासा प्रोजेक्ट अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम सम मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। अभी हमने कांग्रेस के बारे में रीड किया था डी पैसेज के अंदर, कांग्रेस के बारे में कहीं पर रीड किया था जब जहाँ पर हम ऑस्ट्रेलियन और US की बात हमने पढ़ी थी कि उनकी कोलैबोरेशन से रिलेटेड, वहाँ पे कांग्रेस का जिक्र है। बट वो ऐसा तो नहीं बोल रहे कि नासा प्रोजेक्ट क्रिटिसिज्म को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, नॉट गिवन। 26 है, इफ़ ए सिग्नल फ्रॉम आउटर स्पेस इज रिसीव्ड इट विल बी इम्पोर्टेंट टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। मतलब इसमें क्या रखा, अगर आउटर स्पेस से कोई सिग्नल रिसीव करता है तो हमारे ये इम्पोर्टेंट है उसका आंसर देना जल्दी से जल्दी। बट इसमें हमने रीड किया था कि जो आंसर्स हैं वो एकदम से नहीं देने चाहिए, वो ग्लोबल कम्युनिटी से डिस्कस करके उसके बाद उसका आंसर सेंड करना, इमीडिएटली नहीं करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि नो। ओके, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है इनमें, इस पैसेज में, किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे कमेंट करके इसका आंसर चेक करा सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, और मैं श्योरली उस चीज़ का आंसर दूंगी कमेंट्स में भी। ओके, थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे।